ओम शांति। आज हम दिवाली पर्व पर कुछ बात करेंगे। भारत में हर दिन कोई न कोई उत्सव मनाते हैं। भक्त लोग कोई सोमवार को फास्ट करेंगे, कोई मंगल को करेंगे, कोई बुध को करेंगे, कोई गुरु को करेंगे, आदि आदि। तो हमने नवरात्रि मनाई, शक्तियों की पूजा की, गरबा गाया। तो परमात्मा शिव से पहले हम शक्ति लेते हैं, फिर विजयादशमी होती है, अर्थात राम की रावण पर विजय, अर्थात देवताओं की असुरी संस्कारों पर विजय। क्योंकि हमारे जो बड़े से बड़े शत्रु है वो है माया, पांच विकार, रावण, उसको जलाना है। और विजयादशमी के बाद फिर आती है दीपावली। और दीपावली हम मुख्य वाघ बारस से शुरू करते हैं, फिर धनतेरस, धन की पूजा करते हैं, फिर होती है काली चौदस, जिस दिन कुमारियां जल्दी उठकर कौवा आवाज करे उसके पहले स्नान पानी कर लेती है, अर्थात जितना हम सवेरे उठकर ईश्वरी याद में अपने को गोरा बनाएंगे तो हमारा कालापन, विकार छूट जाएंगे। उसके बाद आती दिवाली। तो दिवाली पर हम दीपक जगाते हैं। वास्तव में दीपावली है जब आत्माओं का दीपक जग जाता है, अंधियारा दूर हो जाता है, आसुरी वातावरण तबो प्रधान कलयुगी दुनिया खत्म होकर नई दुनिया स्थापन होती है। तो दीपावली के दिन पुराना चोपड़ा पूरा कर आगे के जमाने में नया पुस्तक शुरू करते थे, अपना साल का जो आमदनी खर्च हुई है उसका चोपड़ा पूरा किया, नया हिसाब किताब शुरू करते हैं, अर्थात पुरानी दुनिया खत्म हो नई दुनिया शुरू होती है। फिर आता है नया वर्ष, नई दुनिया, लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, ताजपोशी होंगी, और फिर भैया दूज, भाई को हम निमंत्रण देकर उनको भोजन पर बुलाते हैं। तो ये है जबकि लक्ष्मी नारायण राज्य पर आते हैं उसको राज्य तिलक मिलता है। तो ये जो पास्ट हो गया है उसकी यादगार रूप हम दिवाली मनाते हैं। दिवाली के पर्व के पूर्व ही माताएं अपना घर बार साफ करती है, बर्तनों को इतना साफ करती है जो पीतल के बर्तन सोने के जैसे लगते हैं, और नया फर्नीचर, नया घर, नई कार, जो भी खरीदना होता है, अभी शॉपिंग शुरू हो गई है, तो नई खरीदारी करते हैं और अपने को
सजा दजा कर मित्र संबंधियों को प्रेम से मिलने जाते हैं। नए वर्ष की मुबारक, दिवाली की मुबारक आदि आदि करते हैं, मिठाई खाते हैं, खिलाते हैं जो भी घर में आते हैं। तो क्या है कि एक उमंग उत्साह का वातावरण हो जाता है, प्रेम का वातावरण हो जाता है। तो क्या है कि जब हम अपने अंदर के आसुरी संस्कार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, वैर, ईर्ष्या आदि खत्म करते हैं, तो हमारे में प्रेम भाव, सुख भाव, शांति भाव, उमंग, उल्लास सब आ जाता है। तो ये इसका आध्यात्मिक रहस्य ये है कि हमको अभी पुराना सब कुछ छोड़ना है, पुराना रीत रसम रवाज और मेनली पुराने संस्कार हमारे, जो गुस्सा करने का है, चिड़चिड़ापन है, औरों से द्वेष भाव है, ईर्ष्या भाव है, वो अभी छोड़ना है और हमारे में दैवी गुण धारण करने हैं। तब हम सच्ची दिवाली बनाएंगे, सच्ची नई दुनिया हमारे सामने आएंगे। क्योंकि आज की कलयुगी दुनिया में तो सब तंग हो गए हैं, सब चाहते हैं कि अब हम स्वर्ग में जाएं, परंतु स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है, नरक कोई नीचे नहीं है। द्वापर कलयुग को हम कहेंगे नरक और सत्युग त्रेता को हम कहेंगे स्वर्ग। तो वो दुनिया यहाँ लानी है। वो दुनिया कब आएंगी? जब हम सब ऐसे सीताराम लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे। क्योंकि गाते हैं, राम राजा राम प्रजा, राम शाहूकार बसे नगरी धनम का उपकार। तो सिर्फ राम राजा इतने ऊंच नहीं थे, पर उसकी प्रजा भी ऐसी थी, शाहूकार भी ऐसे थे और सब धर्म के ऊपर चलते थे। तो इसलिए स्वर्ग में जाने के लिए स्वर्ग हमें यहाँ बनाना है और हमें ऐसा देवताई संस्कार अपने में धारण करने हैं। और ईश्वरीय ज्ञान और योग द्वारा हमने देखा है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो भी यहाँ स्टडी करते हैं वो अपना जीवन ऐसा श्रेष्ठ बनाते हैं। हमने देखा है कई ऐसे क्रोधी लोग हैं ना, वो भी शांत हो गए हैं और वैर भावना, द्वेष भावना, सुस्ती, अलबेलापन, ऐसे सूक्ष्म सूक्ष्म विकार भी छूट जाते हैं। वो योग के द्वारा हम शक्ति पाते हैं। हाँ, सहन शक्ति आई, गुस्सा छूट गया, संतुष्टता आई, लोभ छूट गया, प्रेम भाव आया तो ईर्ष्या और वैर छूट गए। तो समय लगता है, परंतु जरूर हम हो सकते हैं। तो इसलिए आज आप दिवाली तो मनाते हो, परंतु साथ साथ ऐसा देवता बनने का भी संकल्प जरूर करना। ओम शांति। आइए इस दिवाली संस्कार परिवर्तन का उत्सव मनाएं।